हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AIS एजुकेशन। आज की इस वीडियो में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है। इग्नू ने जून 2023 एग्जामिनेशन जो अभी कंप्लीट हुए थे, जिनके रिजल्ट अभी अपडेशन इन प्रोसेस है, इसके लिए री इवेल्युएशन फॉर्म और फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट फॉर्म दोनों का लिंक जारी कर दिया है। ऑनलाइन एंड ODL मोड प्रोग्राम दोनों के स्टूडेंट्स इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसमें आपको डिटेल्स दिखाता हूँ कितने दिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में इग्नू ने एक रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि अभी आप लोग री इवेल्युएशन यानी कि दोबारा से पेपर चेक करवाने के लिए 40 दिन आपके रिजल्ट डेट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो रिजल्ट की डेट आपके रिजल्ट के लिंक पे शो करती है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिख करके, उसके विद इन 40 डेज आपको री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना है। और फोटोकॉपी अगर आंसर स्क्रिप्ट की चाहिए तो आपको विद इन 30 डेज अप्लाई करना है। ये टाइमलाइन इग्नू ने चेंज कर दी है और इसी टाइमलाइन से अभी जून 2023 ऑनवर्ड्स आप लोग इन दोनों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। री इवेल्युएशन अप्लाई करने के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस यही हैं और कैसे करना है इसकी डिटेल्ड वीडियो अपडेट करूंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको यहां पे इग्नू की वेबसाइट पे रजिस्टर ऑनलाइन पे आना होगा और इस पर क्लिक करके री इवेल्युएशन टैब आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। री इवेल्युएशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये फॉर्म ओपन होगा। यहां पे आना है बॉटम में डिक्लेरेशन, आई एग्री एंड प्रोसीड, और यहां पे टर्म एंड एग्जाम जून 23 स्टूडेंट आपको लिखना होगा और आपका लिंक आ जाएगा। यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको जिनका रिजल्ट आता है आपकी डेट के साथ दिखाता है उनका अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इग्नू के नए अपडेट के साथ।